हाय गाइस, हाउ यू ऑल, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज है दशहरा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी विजयदशमी टू यू, हैप्पी दशहरा टू यू। तो जैसे कि पता है आपको कि आज के दिन जो अच्छाई है उसकी बुराई पे जीत हुई थी, राम जी ने रावण को मारा था। तो यही चीज़ है, आज से आई गेस सबको हर साल दशहरे पर एक प्रण लेना चाहिए कि बुराई जितनी भी है आपके अंदर, आपने जो भी इससे पहले बुराइयाँ की, कुछ भी की, तो सब छोड़ के सच्चाई और अच्छाई का रास्ता चुने। तो वैसे अभी मैं जा रहा था ज़रा 18 सेक्टर। क्यों जा रहा था 18 में, मुझे कुछ काम है थोड़ा, मतलब बिजली का सामान लेना था, क्योंकि अभी क्या है कि घर में ना थोड़ा सा वायरिंग का और ये चीज़ों का काम होना है। और मैंने जैसे आप अभी दिखाऊंगा आपको कि मैंने अपना जो सेटअप है थोड़ा सा बना रखा है घर में, उसी चीज़ को मैं और बेटर करना चाहूँगा, थोड़ी लाइटनिंग एंड ऑल बढ़िया बनाना चाहूँगा। तो उसके लिए अभी मैं कुछ लाइट्स एंड ऑल लेने जा रहा था, बाकी आके आपको दिखाते हैं जरा कैसे रहता है। ठीक है, चलिए। फाइनली पहुंच चुके हैं सेक्टर 18, जो कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। ये सतारा के बिल्कुल सामने ये ऑपोजिट है। और देखिए दिवाली आ रही है, तो अगर आपको लाइट्स खरीदनी हो या कोई भी मतलब घर का इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना हो, तो ये होलसेल मार्केट है पूरी। आपको बहुत ही सस्ते में, मतलब जो चीज़ आपको ऑनलाइन 500 रुपीज़ की है, वो यहाँ आपको 100 या 200 तक मिल जाएगी आराम से। तो ज़रूर विज़िट कीजिए। बाकी मैं जो लाइट लेने आया था वो इस शॉप पे आया था, तो मैं आपको एक बार नाम भी दिखा देता हूँ शॉप का। तो अंकल जी ने बहुत ही अच्छे रेट लगाए मुझे, तो विद्या इलेक्ट्रॉनिक्स नाम है इनका, और काफ़ी सही सामान है इनके पास, रेट्स भी काफ़ी अच्छे हैं अगर ऑनलाइन देखा जाए। ओके गाइस, सो फाइनली अभी हमने सामान ले लिया है और अभी जस्ट हेडिंग टूवर्ड्स होम। और आपको दिखा दूँगा 18 की मार्केट, जैसे दिखाई मैंने आपको भी, तो वो ये है 18 की मार्केट। और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा पैदल पैदल सैर करते हुए। मोस्ट ऑफ द मार्केट इज़ क्लोज टुडे, बट जो इलेक्ट्रिकल मार्केट थी वो खुली हुई थी, तो अभी मैंने जो लाइट्स एंड ऑल है वो परचेज कर ली हैं। देख रहे हो आप ये लोग इनके हाल। मैं पूरे दिन अभी गर्मी में सड़ रहा था बाहर, अरे मजे में दोनों। जब हम सुबह से किचन में सड़ रहे थे, तुम कहाँ थे आप? देख कैसे कैसे पड़ गई जन एक इंडा। देखो पता क्या होता है, बहुत मुश्किल हो जाती है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। देखिए एक फ्यूचर ब्लॉगर से आप इस तरह बात नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल हो जाती है जब आप एक अकेले लड़के हो और तीन तीन औरतें घर में, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इंसान के लिए रहना। इधर देखो, तीन औरतें, एक आपकी माँ है, आपकी वाइफ है, एक आपकी बहन है। नहीं तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उनकी फिक्र मैं कर रहा हूँ, तुम मेरी फिक्र करो। आप फ्यूचर ब्लॉगर से बात कर रहे हैं, आप इससे बात नहीं कर सकते। चलो यार अभी थोड़ा रेस्ट मारता हूँ।
इसलिए बना के रखिए। गाइज रावण दहन के बाद अभी हम लोग सेक्टर 17 में थोड़ा सा घूमने आए थे और फिर अभी हमारा प्लान है कि हम लोग अभी एलेंटे जाएंगे, जिसके बाद थोड़ा पहले सेक्टर 17 थोड़ा घूमेंगे, फिर उसके बाद हम एलेंटे से निकलेंगे। फाइनली अभी आफ्टर होल डे ऑफ मतलब सारा दशहरा एंड ऑल देखने के बाद अभी पहुँचे हैं हम इधर एलेंटे। तो क्या मतलब प्लान था अभी कि वी हैव टू कम गो होम, बट हमने सोचा कि एलेंटे चलते हैं, थोड़ा सा खा पी के आते हैं। भूखे हैं सारे। तुम वीडियो बना रही हो? तीन घंटे से।